गुड मॉर्निंग बच्चों, जूनियर हाई स्कूल कासमपुर भुम्मा ब्लॉक जानसठ जिला मुजफ्फरनगर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो क्लास एट के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको आपकी अंग्रेजी की बुक रेनबो का लेसन नंबर 11 द ओल्ड काकी के एक्सरसाइज वर्क को कराने जा रहा हूँ। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको इस लेसन को पढ़ाया था, साथ साथ हिंदी अनुवाद भी उसका करके दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें लेसन नंबर 11 द ओल्ड काकी का एक्सरसाइज वर्क कराया गया है। आप इस कार्य को अपनी नोटबुक में अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु डिड काकी लाइव विद, काकी किसके साथ रहती थी। काकी लाइव विद हर नेफ्यू बुधिराम एंड हिज फैमिली। काकी बुधिराम और उसके परिवार के साथ रहती थी। हु वाज लाडली, वाज सी सिंपैथिक टुवार्ड्स हर काकी। आंसर, लाडली वाज बुधिराम्स ओनली डॉटर। लाडली बुधिराम की इकलौती लड़की थी। यस सी वाज सिंपैथिक टुवार्ड्स हर काकी, हाँ वह काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी। व्हाट वाज द ओकेजन फॉर सेलिब्रेशन इन बुधिराम्स हाउस, बुधिराम के घर में किस तरह का समारोह चल रहा था। इट वॉज द ओकेजन ऑफ एंगेजमेंट सेलिब्रेशन ऑफ बुधिराम्स एल्डर सन, बुधिराम के घर में उसके बेटे का सगाई का सेलिब्रेशन चल रहा था। वाई डिड काकी फील इंसल्टेड, आंसर वहन रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, सी बिकेम एंग्री एंड शोक काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड शाउटेड अब्यूज, काकी फेल्ट इंसल्टेड। इसमें पूछा गया है कि काकी को अपमानित क्यों महसूस हुआ, काकी ने अपमान क्यों महसूस किया। जब रूपा ने काकी को हलवाई की कढ़ाई के पास बैठे देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसने अपने हाथों से पकड़कर उन्हें उठाया और चिल्लाई बहुत ज़्यादा और उन्हें गंदे शब्द कहे, इसलिए काकी को अपमानित महसूस हुआ। वाई डिड रूपा अपोलोजाइज टू काकी, डिड काकी फॉरगिव हर, रूपा ने काकी के लिए अपनी गलती क्यों मानी और क्या काकी ने उनको माफ़ कर दिया। इसका आंसर है, रूपा अपोलोजाइज्ड फॉर कमिटिंग ए ब्लंडर बाय नॉट सर्विंग फूड टू काकी व्हेन सो मैनी गेस्ट हैड एंजॉयड द फीस्ट। रूपा को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि उसने काकी को खाना नहीं दिया था, जबकि उनके घर में बहुत सारे मेहमान उस समारोह में का आनंद ले रहे थे और वहाँ पर खाना भी खा रहे थे। यस काकी फॉरगेव हर, हाँ काकी ने उसको माफ कर दिया। नेक्स्ट, व्हाई डिड पंडित बुधिराम बिकम रेड विद एंगर एंड व्हाट डिड हू ही डू। आंसर, व्हेन कापी क्रैप्ट इनटू द कोर्टयार्ड वेयर गेस्ट्स वर हैविंग डिनर, वन ऑफ द गेस्ट फेल्ट डिस्गस्टेड एंड रेज्ड एन अलार्म That all should be careful of her. Looking at this, Pandit Budhiram became furious. He caught Kaki with his hand and dragged her into the room. Next, how should old people be treated? बूढ़े व्यक्तियों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? Old people need care, love and affection too. जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल हो, उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिले, सब उनसे बात करें। दे शुड बी ट्रीटेड,
विद रेस्पेक्ट एंड गुड वर्ड्स। वो चाहती हैं कि उनकी इज्जत हो और उनके साथ जब कोई बातचीत करे तो बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दीज लाइन एंड टू हूम। नीचे कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इसमें ये बताना है कि ये लाइनें किसने कही और किसको कही। बी केयरफुल, सी मे टच सम वन, ये किसने कही? वन गेस्ट टू द अदर। नेक्स्ट, गेट अप का की, आई हैव ब्रोट टू रिंग्स फॉर यू, ये किसने कहा था? लाडली टू काकी, लाडली ने ये काकी को कहा था। टेक मी टू द पैलेस वेयर द गेस्ट्स वर ईटिंग, ये किसने कहा था? ये काकी ने कहा था लाडली से। नोट इट इज माई शेयर, ये किसने कहा? ये भी लाडली ने काकी से कहा था। अब वर्ड पावर का क्वेश्चन है, कुछ सेंटेंस लिखे हुए नीचे और कुछ ऊपर ब्लॉक में वर्ड लिखे हुए हैं, इन पर सही वर्ड को चूज करना है, इनको फिट करना है इसमें। ए, द कैट, यहाँ पर क्रैप्ट आएगा, साइलेंटली टुवार्ड्स द बर्ड। बी, द आइसक्रीम इन द कप मेल्टेड, यहाँ पर आएगा मेल्टेड, एज इट वॉज वेरी हॉट। नेक्स्ट, द मदर, इसमें आएगा फॉरगिव मी फॉर एंड माई मिस्टेक। नेक्स्ट, द लेबरर ड्रैग्ड द जूट राइज सैक इन टू द रूम, यहाँ पर ड्रैग्ड आएगा। ई, ही ऑलवेज डज हिज वर्क प्रॉपरली, इसमें प्रॉपरली आएगा। एफ, द डिश विच अमित प्रिपेयर्ड लुक टेम्पटिंग, यहाँ पर क्या आएगा? टेम्पटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज प्रैक्टिस का है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग ऑलरेडी यट और स्टिल, ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, कहीं पर ऑलरेडी आएगा, कहीं पर यट आएगा और कहीं पर स्टिल। तो पहला सेंटेंस दे हैव, इसमें आएगा ऑलरेडी लेफ्ट। सेकंड, बी, आर यू स्टिल एंग्री विद मी, इसमें स्टिल आएगा। सी, वी आर नॉट रेडी टू लीव यट, इसमें यट आएगा। डी, सी इज ऑलरेडी रीच्ड देयर, इसमें क्या आएगा? डी में ऑलरेडी। ई, ई में आएगा स्टिल, सोले इज स्टिल माई फेवरेट मूवी। एफ, एफ में आएगा यट, डोंट स्टार्ट द कार यट, वेट फॉर मंजू, इसमें यट आएगा। तो बच्चों ये था आपका लेसन नंबर 11 द ओल्ड काकी का एक्सरसाइज वर्क। इस कार्य को आप अपनी कॉपी में करें, साथ ही इसके फोटो निकालकर विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।